नहीं किया। यदि किया होता तो देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, शोषण, उत्पीड़न ये भारी मात्रा में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता। आज पूरे देश के अंदर जो भुखमरी का माहौल कायम है, जो लोग बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छूती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य दोषी कौन है? इसका मुख्य दोषी ये कांग्रेस बीजेपी सरकार है कि लोगों ने वोट दिया, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 5 साल बाद चुनाव के 4.5 साल बाद में वो आते हैं हमारे बीच में और फिर कहते हैं हमें वोट दो और जनता फिर वोट दे देती है। ये अदला बदली करती रहती है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन कभी जनता ने ये नहीं सोचा कि हमारे हक अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। जिस दिन देश की जनता उत्तर प्रदेश के लोगों से सबक लेगी, उत्तर प्रदेश के लोगों से सीख लेगी कि वहां जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो वहां कोई भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वहां युवाओं को रोजगार मिला, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही। वहां हमारे संत गुरु महापुरुषों के नाम पर यूनिवर्सिटियां बनी, डिग्री कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, इंजीनियर कॉलेज बने, हॉस्टल बने, छात्रावास बने, और तो और मुस्लिम समाज के लिए माननीय बहन जी ने जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 3 जून 1995 को, तो माननीय बहन जी ने धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए आयोग बनाया। क्या कांग्रेस ने बनाया था या बीजेपी ने बनाया? नहीं बनाया। जो ओबीसी के, जो मुस्लिम समाज के जो भाई थे, उनको 27% रिजर्वेशन का लाभ मिला। वहां अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, न्यायुक्त और विकास युक्त वातावरण उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला। वहां लोगों का वोट खराब नहीं हुआ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके। लेकिन कर्नाटक में आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, जेडीएस को जिताया, यहां आपका वोट खराब हुआ। ये लोग जातीय भेदभाव करते हैं। कैसे? यहां पूरे कर्नाटक में आप लोगों को बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देगी, हजरत टीपू सुल्तान जी के नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई नहीं देगी, माता फातिमा शेख के नाम से एक भी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई नहीं देगी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नारवड़ी किशोरदास बटियार जी, अन्ना बसवन्ना जी, कनकदास जी, हमारे संत गुरु महापुरुषों के नाम पर कर्नाटक प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, हॉस्टल आपको नहीं दिखाई देंगे। जब ये हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो वोट लेकर के आपका काम आपको सुविधाएं कैसे देंगे? ये आपको सुविधाएं नहीं देंगे। साहब काशीराम जी कहते थे इस देश में गरीब लोगों की लड़ाई पूंजीपति लोगों से है, धन्ना सेठ लोगों से है, वोट वालों की लड़ाई नोट वालों से है। जिनके पास में नोट है, वोट नहीं है, वो इलेक्शन के पीरियड में वो पैसा लेकर के आते हैं अपनी जेब में, वो अटैची में पैसा लेकर के आते हैं, वो गाड़ी में पैसा रख के लाते हैं और आप लोगों के बीच में आकर के आपको लालच देते हैं। आपका वोट 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, 5000 रुपए में,
10,000 रुपए तक आपका वोट खरीदने का काम करते हैं और वोट खरीदने के बाद में अपनी सरकार बना लेते हैं, फिर आप लोगों के काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब आप पहले ही आपने लाभ ले लिया, आपने सरकार बनने से पहले ही लाभ ले लिया, छोटे छोटे लालचों में आप बहक गए, तो सरकार बनने के बाद में वो आपके काम नहीं करते हैं, वो फिर अपने काम करते हैं। अपने इंजीनियर कॉलेज बनाएंगे, अपने हॉस्पिटल बनाएंगे, अपने बड़े बड़े होटल बनाएंगे, वो अपने फायदे के लिए काम करेंगे, फिर वो समाज के हित में वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग जब तक ना बिकने वाले नहीं बनते हो तब तक हमारा फायदा नहीं होता, तब तक हमें लाभ नहीं मिलता है। साहब कांशीराम जी ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। जो बहुजनों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय साहब कांशीराम जी ने ये स्लोगन इसीलिए दिए ताकि बहुजन समाज के लोग जाग जाएं, अपने हक अधिकारों के प्रति जाग जाएं, ताकि वो सरकार बनाएं। मांगने वाला जो होता है, जो मांगने वाला होता है वो हुक्मरान नहीं होता है। हुक्मरान कौन होता है? देने वाला होता है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने समाज को मांगने वाला बनाया कि हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मांगने वाला नहीं, समाज को देने वाला बनाया, समाज को देने वाला बनाया। कांग्रेस में देश को आजाद होने के बाद में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन हुआ। 2005 में कमेटी के लिए उनको प्रस्ताव किया गया, 2006 में कमेटी बन गई। उस कमेटी में चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जो मुस्लिम समाज है वो शैक्षणिक रूप से, वो सामाजिक रूप से, वो आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है, ये चौंकाने वाला रिजल्ट आया। जो 10वीं क्लास के जो युवा हैं, उनका ग्राफ केवल 10% था और जो इंटर कॉलेज में है उनका ग्राफ केवल 7% था। जो आईएएस आईपीएस में 3% और 4% उनका ग्राफ था, जबकि मुस्लिम समाज का ग्राफ एजुकेशन में और सामाजिक स्तर में कितना था ये आप लोग जानते हैं। मुस्लिम समाज कितना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। एक मुस्लिम समाज में एक दोहा है कि नोचा गया मेरे परों को बस इतने कसूर पर, नोचा गया मेरे परों को बस इतने कसूर पर, क्यों मैंने की कफस में गुलिस्तां की गुफ्तगू। जब से देश आजाद हुआ तो मुस्लिम समाज को लगा कि अब हम आजाद हो गए, अब हमारे बेहतरी के रास्ते खुलेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 1967 से लेके 1982 तक सिर्फ देश के अंदर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर के 5 मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज के बने। 1982 के बाद में ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना जेडीएस ने एक भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जबकि ये ताने बजाने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। क्यों नहीं बनाया? 14.5% देश में मुस्लिम समाज है, 15% दलित समाज है, 27% ओबीसी है। अगर हम तीनों मिल जाए तो केंद्र की सत्ता पर बहुजन समाज काबिज होगा। लेकिन आप लोग सोचते हो कि कांग्रेस हमारी मां है। अरे कांग्रेस आपकी मां नहीं है,
जैसे कांग्रेस सौतेला व्यवहार करती है वैसे मुस्लिम समाज के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। यदि आपकी कोई हितैषी पार्टी है इस देश के अंदर, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यदि कोई पार्टी देश में है, नेशनल पार्टी देश में भी कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार कर्नाटक प्रदेश में बनेगी, क्योंकि क्यों बनेगी, हम जो ये संविधान बचाओ देश बचाओ के माध्यम से पूरे कर्नाटक में जो घूम रहे हैं, युवाओं के अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है, उनके जो हौसले बुलंद हैं, तो ये प्रमाणित करता है आने वाले इलेक्शन में कर्नाटक प्रदेश बदलाव मांग रहा है, बीएसपी की सरकार मांग रहा है। अब की बार कर्नाटक प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा कर्नाटक प्रदेश में। और यहां भी परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर यहां यूनिवर्सिटी बनेगी, हजरत टीपू सुल्तान जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी, माता फातिमा शेख के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे संत गुरु महापुरुषों के नाम पर यहां यूनिवर्सिटियां बनेंगी, डिग्री कॉलेज बनेंगे, इंजीनियर कॉलेज बनेंगे, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनेंगे और डिस्ट्रिक्टों के नाम यहां बनाए जाएंगे। यहां सोशल जस्टिस हो मिलेगा आप लोगों को। आप लोग सोचते हैं अभी क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी 1,40,000 गुंडों को जेल में बहन जी ने बंद किया, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में आप लोगों ने बिल्किस बानो का केस सुना, क्या हुआ, उनको उनका सही आचरण बता करके उनको रिहा कर दिया गया। अरे भाई, क्या मुस्लिम समाज को सोशल जस्टिस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हमारे देश में दलित समाज के साथ मुस्लिम समाज के साथ में शोषण होता है, कहीं गाय के नाम पर मुस्लिम समाज को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, दलित समाज को भी कहीं कोई जय भीम बोलता है तो उसको भी टॉर्चर किया जाता है, उसको भी परेशान किया जाता है। अरे इस देश के अंदर जब गांधी को मानने वालों की सरकार चल सकती है, तो इस देश के अंदर बाबा साहब को मानने वालों की भी सरकार चल सकती है। इस देश में जब जय श्री राम को बोलने वालों की सरकार बन सकती है और चल सकती है, तो इस देश में जय भीम को बोलने वालों की भी सरकार बन सकती है और चल सकती है। आप लोगों को यदि संविधान बचाना है, ये देश को बर्बाद होने से बचाना है, यदि आप ये चाहते हैं हमारे बच्चों के अच्छे दिन आए, यदि आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, तो आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। इस देश को बर्बाद होने से सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही बचा सकती हैं। इस ये देश ये राहुल जी और मोदी जी से चलने वाला नहीं है। ये कितनी भुखमरी हो रही है, जीडीपी कितनी डाउन चली गई, ये काले धन के नाम से नोटबंदी कर दी, ये कोरोना पीरियड के नाम से कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों की जान चली गई, और 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया वो किसी के पास पहुंचा क्या? वो किसी के पास नहीं पहुंचा। 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं गए। स्मार्ट सिटी कहीं नहीं बनी, कहीं लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। और क्या कहा जा रहा है देश में, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। यदि खतरे में है तो युवाओं का भविष्य खतरे में है। वो पढ़ लिख करके भी जो रोजगार बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। यदि खतरे में है तो बहन बेटी की इज्जत और आबरू खतरे में है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। यदि खतरे में है तो गरीब आदमी खतरे में है,
यदि खतरे में है तो हमारे वोट का अधिकार खतरे में है। हम लोग आज भी आजादी से अपने वोट को डाल नहीं सकते हैं पोलिंग बूथों पर। हमारे वोट को चुरा लिया जाता है, हमारे वोटों को लूट लिया जाता है, जबरदस्ती हमसे वोटों को डलवा लिया जाता है। डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। यदि आपको देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, यदि अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट दो और बाकी सबको छोड़ दो। बीएसपी को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो। आने वाले चुनाव में मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। पर मैं पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि विद्यार्थी समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, विवेक होता है। अरे आप लोग पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हो, आप एक बार देखते हो सरकार को, वो काम नहीं करती है, फिर बार बार देखते हो, अरे ये तो जो अनपढ़ आदमी भी होता है इतना तो वो भी समझ जाता है कि जब सरकार हमारा काम नहीं कर रही तो हम दूसरी सरकार को बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो लोग ये कहते हैं कि बीएसपी जीत नहीं पाएगी, कमजोर है, विचारधारा मजबूत होती है। आप बहन जी का शासनकाल देखिए, बहन जी आयरन लेडी है, बहन जी दलित क्वीन का अवार्ड बहन जी को मिला हुआ है, बहन जी देश की भावी प्रधानमंत्री के नाम से विख्यात है। देश के अंदर 8 ईमानदार नेताओं की सूची जारी हुई, पूरे देश के अंदर 8 ईमानदार नेताओं की, नंबर 1 पर हमारी बहन जी प्रेम कुमारी मायावती जी का नाम है। अरे हमारे साथ में पावरफुल महिला हमारी बहन जी, हमारी मसीहा हमारे साथ में है, तो हमें अपने वोट को इसका सही प्रयोग करके बहुजन समाज पार्टी को हमें वोट देना है। बहुजन समाज पार्टी की हमें सरकार बनानी है कर्नाटक प्रदेश के अंदर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बार बार जीतने वाले की एक दिन हार जरूर होती है और बार बार हारने वाले की एक दिन जीत जरूर होती है। इसीलिए कोई भी युद्ध अंतिम युद्ध नहीं होता, कोई भी चुनाव अंतिम चुनाव नहीं होता, ठीक उसी तरह से कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती। अगर हम हार रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार